welcome back another new lesson in this lesson we will talk about the most important Indian poet Sujata bird before I start with this lesson I request you to all to like share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature let's get started and move to our topic Sujata bird was born in 1956. In Ahmedabad, Gujarat, and brought up in Pune until 1968, when she migrated to United States with her family. She received her MFA from the Writers Workshop at the University of Loa, L O W A, and now lives in Germany with her husband and daughter. She is the रिसिपमेंट ऑफ वेरियस अवार्ड इंक्लूड द कॉमनवेल्थ वेल्थ पोइट्री प्राइज एशिया इन्हें कॉमनवेल्थ वेल्थ पोइट्री प्राइज भी रिसीव हुआ है इसके साथ साथ 2008 थाउजेंड एट में इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है प्योर लिजर्ड व शॉर्ट लिस्टेड फॉर टू थाउजेंड एट फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज फॉर बेस्ट पोइट्री इन द ईयर प्योर लिजर्ड को शॉर्ट भी किया गया था बेस्ट पोइट्री ऑफ द ईयर के अवॉर्ड में सुजाता वर्ट जो हैं इनको गुजराती इंग्लिश और जर्मनी ये तीनों लैंग्वेजेस आती थी लेकिन शी हैज़ ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश फॉर एंथोलॉजीज ऑफ़ हर कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फीमेल पोइट्स कंबाइनिंग गुजराती एंड इंग्लिश ये पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुझाता भट्ट जो हैं वो किस लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ मिक्स किया करती थी वो गुजराती लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ मिक्स करके अपनी जो पोइट्री है उसको लिखती थी रादर देन इंडियन इंग्लिश यानी कि जो एंग्लो इंग्लिश होती है ना उसकी बजाय वो इंडियन इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करती थी इसके साथ इनके कुछ थीम्स हैं पोइट्री के जैसे कि इनकी पोइट्री में हमें लव देखने को मिलता है इसके साथ साथ वायलेंस वायलेंस को हम इनकी पोइट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम के तौर पर जानते हैं इसके साथ साथ रेसिज़म यानी कि जो नस्ल में फ़र्क किया जाता है इस थीम को भी हम इनकी पोइट्री में एनालाइज करेंगे इसके साथ साथ चाइल्ड हुड मेमरी यानी कि वो अपनी चाइल्ड हुड मेमोरी को भी अपनी पोइट्री में दिखाती हैं क्योंकि हमने देखा कि वो माइग्रेट कर चुकी थी पहले यूनाइटेड स्टेट और करंटली वो जर्मनी में रहती हैं लेकिन जो इनकी नेटिव प्लेस है वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात है तो वो अपनी चाइल्ड हुड को अपनी पोइट्री में दिखाती हैं कि किस तरह उनकी मेमोरी थी जो कि उनके बचपन में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनको वो अपनी पोइट्री में प्रेजेंट करेंगी इसके साथ साथ वो इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरकल्चर रिलेशन और एलिमेंट ऑफ फैमिनिज्म इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन पोइट्री जो कि फैमिनीज़म की बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं और फैमिनीज़म को अपनी पोइट्री में वो दिखाती हैं कि किस तरह फीमेल के साथ इंडिया में सलूक किया जाता है और कौन कौन से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके साथ किस तरह बिहेव किया जाता है एक्सीट्रा ये सब एलिमेंट हमें इनके पोइट्री में देखने को मिलते हैं इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें हैं आर डिफरेंट हिस्ट्री जिसको हम आगे फर्दर समराइज भी करेंगे सर्च फॉर माई टंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है और जिसको प्रजेंट भी किया गया था एज अ प्ले इसके साथ साथ यानी इसको परफॉर्म किया गया था सर्च फॉर माई टंग पोईम को पी काक फिर इसके साथ साथ जीनियोलॉजी वॉइस ऑफ दी अनवान्टिड गर्ल द फर्स्ट मीटिंग ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पोइम है द स्टेयर एस टी ए आर ई ये इनकी कुछ पोइम्स हैं सुजाता बर्ड की और इनका जो राइटिंग स्टाइल है पोट्री लिखने का वो एक फ़ास्ट मूविंग टाइप है यानी कि वो अचानक अपनी पोइट्री से जंप कर जाती हैं एक और इवेंट की तरफ और वो जो वो पोइट्री के अंदर हमें स्टोरी बयान करती हैं वो एक एज ए नरेटिव होती है यानी एक नरेटिव वे में हमें पोइट्री बताई जाती है और इनकी जो टोन है वो सॉफ्टली स्पोकन होती है यानी कि वो इतनी स्पोकन और सॉफ्ट वे में अपने जो आइडियाज़ हैं यानी इनके जो मेजर थीम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो इसको अपनी पोइट्री में इस तरह प्रेजेंट कर देती हैं कि पढ़ने वाले को समझ भी आ जाती है कि वो क्या और किस तरह की पोइट्री लिख रही हैं और किस चीज़ को वो टारगेट कर रही हैं और लेकिन उनका जो नैरेटिव उनको उसको पोइट्री को नरेट करने का अंदाज़ है वो इस तरह होता है कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन टाइप में उसको लिख देती हैं ताकि के, के डायरेक्ट टारगेट भी नहीं करती और अपनी पोइट्री में वो ये चीज़ें एक्सप्रेस भी कर देती हैं